नमस्कार, मैं प्रिया इजी कुकिंग एंड मोर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है रोटी पिज्ज़ा। एक्चुअली अथर्व को पिज्ज़ा खाने का मन था और अभी बढ़ती बीमारियों की वजह से हम सब बाहर का खाना ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, ना पिज्ज़ा मंगवा रहे हैं, और ना ही मेरा मन था पिज्ज़ा बेस तैयार करने का और ज़्यादा मेहनत करने का। तो मैंने बनाया ईजी एंड क्विक पिज़्ज़ा जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ तो चलो आपसे रेसिपी भी शेयर कर लूँ। इसके लिए आपको साधारण सा वही रोटी का आटा चाहिए, जो आपने रोटी के लिए आटा गूंदा है वही आटा चाहिए। जितनी बड़ी लोई हम रोटी के लिए लेते हैं उतनी ही बड़ी लोई लेकर सूखा आटा लगाकर बिल्कुल रोटी की तरह हमें इसे बेल लेना है। तवा गर्म होने के लिए गैस स्टोव पर रख दें। हल्का सा घी या बटर लगाकर उसके ऊपर रोटी को फैला दें। जो रोटी का ऊपरी परत है उस पर भी हल्का सा घी या बटर लगा लें और इसे पलट लें। बहुत ज्यादा नहीं पकाना हमें एक साइड, दूसरी साइड से भी अच्छे से ये पक चुका है। जैसा रोटी जितना पकाते हैं वैसा ही गैस स्टोव कम कर लें और रोटी का जो पका हुआ साइड है उस तरफ हम टोमेटो सॉस लगा लेंगे। टोमेटो सॉस की जगह आपको जो सॉस पसंद है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे थे उसे डाल दिया, ऐसे फैला दिया। कैप्सिकम के भी छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे उसे भी डाल देंगे, और ये उबले हुए कॉर्न रखे थे मैंने उसे भी डाल दिया है। टॉपिंग्स आप अपने पसंद के हिसाब से डालें, जो आपको पसंद हो वही वेजिटेबल डालें। सॉल्ट डाल दे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, चीज मैंने पहले से ही ग्रेट करके फ्रिज में रखा था। ग्रेटेड चीज को आप कैसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इसके लिए मेरा शॉर्ट वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन में डाला हुआ है। हाउ टू स्टोर चीज करके एक वीडियो है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जितना चीज चाहे उतना आप डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद और आपकी सेहत के हिसाब से जो आप जितना चीज चाहते हैं उतना डालें। अब इसे कवर करके चीज को मेल्ट होने तक पकने दें, जिससे कि 1 से 2 मिनट तक चीज मेल्ट होने तक और प्याज और कैप्सिकम को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकने दें। थोड़ा ध्यान रखें कि रोटी नीचे का जले नहीं, गैस फ्लेम तेज नहीं रखना है, कम पे ही रखना है। चीज डालने के बाद आप मीडियम पे रख सकते हैं गैस फ्लेम। चीज मेल्ट हो चुका है, हमारा पिज्जा लगभग तैयार है। अब इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दें। हमारा पिज्जा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसके ऊपर आप टोमेटो सॉस डाल दें और इसे ऐसे 4 टुकड़ों में कट कर लें। आप अगर इसे रोटी पे नहीं बनाना चाहते तो आप ब्रेड पर भी सेम ऐसे ही ब्रेड पे सॉस लगाएं, और बाकी सारी चीजें जो मैंने डाली है प्याज कैप्सिकम और कॉर्न उसे ऐसे डाल दें तवे पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने रोटी पे बनाया वैसे ही ब्रेड के साथ बना लें, वैसे ही ब्रेड के साथ बना लें। आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने कुछ हेल्दी बनाया बच्चे के लिए, और बच्चे भी खुश कि पिज्जा खाने को मिल गया। आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है, बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे, आप भी बहुत खुश होंगी। पिज्जा तैयार है सर्व करने के लिए। तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।